गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को गुड स्टडी चैनल में प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन तीन तरह के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो आज हम आप लोग को सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन ऑफ द पर्सन और थिंग्स। मीन्स प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और किसी पर्सन और थिंग्स यानी वस्तु के बारे में रिलेशन को बताता है। यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन ऑफ द पर्सन और थिंग्स। किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच में क्या रिलेशन है उसको दर्शाता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। तो आज हम चर्चा करते हैं सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में। सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर इन, ऑन, एट, इनटू, ओवर, विथ, बाय, टू, फ्रॉम, ऑफ, ऑफ, अंडर, बिटवीन, अमोंग, विदिन, बिहाइंड, अबोव, बिलो, अंडरनीथ, बियॉन्ड, फोर, सिंस, अक्रॉस, अलोंग, बिसाइड, बिसाइड्स को रखा गया है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि प्रीपोजिशन का यूज किस तरह से किया जाता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर द काउ इज इन द फील्ड, फील्ड द काउ इज इन द फील्ड, काउ फील्ड के अंदर है। मीन्स ए काउ नाउन है, इन द फील्ड नाउन है, इन नाउन के पहले क्या आया इन, इन है जो प्रीपोजिशन है, फील्ड के अंदर है। इस तरह से आगे हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। इन, इन का अर्थ में के अर्थ में होता है, इन का अर्थ में के अर्थ में होता है, इन का अर्थ में के अर्थ में होता है किसी के अंदर, अंदर या स्थान, स्थान के अर्थ में होता है। जैसे ही इज इन द फील्ड, वह फील्ड के अंदर है। तो इन क्या है, मे प्रीपोजिशन है। इस तरह से किसी स्थान के ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन। हमेशा बड़े स्थान के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। उसी कंपैरिजन में एट, एट जो है छोटे स्थान के आगे लगाया जाता है। जैसे ही लिव्स एट बोकारो, वह बोकारो में रहता है। इस तरह एट का समय बताने में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट नाइन ओ क्लॉक, एट सेवन ओ क्लॉक, इस तरह से यूज किया जाता है। यदि इन और एट को, यदि इन और एट को कंपैरिजन करते हैं तो हम लिख सकते हैं ही लिव्स एट बोकारो इन झारखंड, झारखंड ही लिव एट बोकारो, बोकारो छोटा स्थान इसलिए एट, और झारखंड बड़ा स्थान इसके आगे इन। इस तरह से हम कह सकते हैं ही लिव्स एट दिल्ली,
इन इंडिया, इस तरह से इन और एट का कंप्रेंड किया जाता है। ऑन ऑन का सपोज दैट, मान लीजिए एक टेबल है और टेबल में बुक रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, टेबल को स्पर्श करते हुए बुक यहाँ रखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। इस तरह से जैसे फर्श है, अब फर्श में यदि मैट रखा हुआ है, मैट मीन्स चटाई, तो इसको क्या लिखेंगे, द मैट इज ऑन द फ्लोर। इस तरह से आधार को छूते हुए यदि कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, ऑन। इस तरह से डे के आगे हम ऑन का उपयोग करते हैं, जैसे ऑन मंडे, MONDAY, ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरह से डे के आगे हम ऑन का उपयोग करते हैं, ऑन मंडे, ऑन संडे। अब आगे देखते हैं इनटू। इनटू गति दर्शाता है, गति दर्शाता है, कोई भी काम गतिशीलता प्रदान करते हुए किया गया हो तो इनटू का उपयोग किया जाता है। जैसे सी जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप इनटू द रिवर। यहाँ इनटू क्या हुआ, जंप इनटू द रिवर का मतलब यहाँ से उछलकर रिवर में कूदना, ये जंप गति प्रदान करते हैं, जंप इनटू द रिवर, इनटू अस लगाया जाता है। कोई भी चीज़ चेंज करने में, CHANGE, चेंज करने में इनटू उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस तरह से चेंज करने के में किया जाता है, चेंज इनटू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इनटू का उपयोग कभी चेंज के करने में किया जाता है। इस तरह ओवर, ओवर जैसे कोई भी चीज़, जैसे सपोज दैट यहाँ एक पेड़ है और इसके ऊपर से यदि एरोप्लेन जा रहा है, AEROPLANE, बिना पेड़ के आधार को छुए हुए, तो इसको ओवर बोलते हैं। तो क्या लिखता है, द एरोप्लेन, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग ओवर द ट्री, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, बिना ट्री को टच किए हुए। इसी तरह से कह सकते हैं फ्लाइंग ओवर द ट्री, या फिर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, इस तरह से कह सकते हैं। ये टू, टू का अर्थ से होता है और टू अटैचमेंट को दर्शाता है, ACH, अटैचमेंट। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, टू, इस तरह से ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, टू का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में फ्रॉम और ऑफ, इन दोनों का डी अटैचमेंट, डी अटैचमेंट यानी सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन मीन्स अलग होने के क्रम में, अलग होने के क्रम में फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग है। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहा है। इस तरह से द
लिप आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, इस तरह से डी अटैचमेंट को दर्शाता है फ्रॉम। इस तरह से ऑफ का उपयोग लिखते हैं जंप्ड ऑफ द चेयर, चेयर में कोई बैठा है और अचानक चेयर को छोड़कर यदि जंप करता है यानी चेयर से अलग होता है तो इसको जंप ऑफ द चेयर बोल सकते हैं, या फिर जंप फ्रॉम द चेयर भी बोल सकते हैं इसको, जंप ऑफ द चेयर या फिर जंप फ्रॉम द चेयर बोल सकते हैं। इस तरह से आगे हम चलते हैं विथ, विथ का मीन्स साथ होता है, जैसे सी राइट्स विथ पेन, वो पेन के पेन पकड़ कर लिखता है, ये राइट्स विथ ए पेन, या फिर किसी के साथ जाना, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट विथ राम, वह राम के साथ मार्केट जा रहा है, इस तरह साथ के अर्थ में विथ का उपयोग किया जाता है। इस तरह से बाय, बाय मीन्स द्वारा होता है, अगर हम इस कभी कभी बाय का अर्थ पैसिव वॉइस में अक्सर होता है, कभी कभी नहीं अक्सर होता है, जैसे ए टाइगर इज किल्ड बाय मोहन, मोहन के द्वारा टाइगर को मारा गया, हमेशा पैसिव वॉइस में बाय का उपयोग किया जाता है। और सफ़र, जैसे सफ़र कोई भी बाय बस, बस से जाना, बाय ट्रेन, ट्रेन से जाना, बाय एयर यानी एरोप्लेन से जाना, ही इज गोइंग टू मार्केट बाय बस, ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, ही इज गोइंग टू कोलकाता बाय एयर, इस तरह से बाय एयर बाय ट्रेन बाय बस का उपयोग किया जाता है। बाय का उपयोग पैसिव फॉर्म में होता है और इन तीनों के साथ सफ़र के अर्थ में किया जाता है। ऑफ, ऑफ का अर्थ का होता है और कभी कभी इसका बना होना में उपयोग किया जाता है, जैसे सी इज फाउंड ऑफ टी, वह चाय का शौकीन है, ऑफ का मीन्स का। इसी तरह से द रूम इज मेड ऑफ ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, रूम ईट से बना हुआ है, तो ऑफ का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ऑफ का उपयोग का के संबंध में किया जाता है। जैसे अंडर, अभी अंडर का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट कोई चेयर है और चेयर के ऊपर में कुछ रखा हुआ है और इसके नीचे कुछ रखा हुआ है, और तो इसके लिए हम लोग अंडर का उपयोग करते हैं। इसी तरह से यदि कोई पेड़ है और पेड़ के नीचे यदि कोई कोई आदमी बैठा हुआ है तो पेड़ की छाया में बैठा हुआ है तो उसके लिए अंडर बोलते हैं, तो लिख सकते हैं द मैन इज अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे आदमी बैठा है, तो अंडर का उपयोग किया जाता है। अंडर हमेशा नीचे के अर्थ में किया जाता है। तो हम चर्चा करते हैं इसके आगे, बिटवीन,
बिटवीन का उपयोग हम दो आदमी के बीच में किया जाता है, दो के बीच में किया जाता है, जैसे द मैंगो इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, दो के बीच में। कभी कभी क्रिकेट में यूज करते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, करना मतलब दो बल्लेबाज रहता है और दोनों के बीच जो रन लेने की प्रक्रिया होती है, इसलिए रनिंग बिटवीन द विकेट कहा जाता है, यानी दो के बीच में यूज किया जाता है। एमोंग मीन्स दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। तो क्या कह सकते हैं, द मैंगो इज डिवाइडेड एमोंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच मैंगो को बांटा गया, यानी आम को बांटा गया, दो से अधिक के लिए एमोंग और दो के लिए बिटवीन का उपयोग किया जाता है। क्लियर। विदिन, विदिन एक समय के लिए किया जाता है, जैसे कोई भी कार्य 1 से 7 दिन के अंदर करना है तो विदिन किया जाता है, जैसे ही विल डू दिस वर्क विद इन 7 डेज, वह यह काम को 7 दिन के अंदर करेगा, यानी कि 7 दिन के अंदर, 1 और 7 के बीच में विद इन बोला जाता है, के अंदर, के अंदर के अर्थ में किया जाता है विद इन का उपयोग। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे, किसी के पीछे, जैसे सी इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है, पीछे का अर्थ में बिहाइंड को उपयोग किया जाता है, बिहाइंड मीन्स पीछे। इस तरह से हम आगे चलते हैं, एबोव, एबोव मीन्स क्या होता है, ऊपर, ऊपर, तो ऊपर का अर्थ में क्या कहेंगे, द फैन इज अबोव द हेड, मतलब सर के ऊपर फैन है जो कोई आधार से लटका हुआ है, इस तरह से ऊपर का अर्थ हम लोग एबोव करते हैं। इस तरह बिलो, बिलो के मीन्स नीचे होता है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज बिलो 98.6 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री से नीचे है, इसलिए बिलो नीचे का अर्थ किया जाता है। अंडरनीथ का मतलब और अंडर का मतलब दोनों सेम होता है, अंडर और अंडरनीथ, कोई भी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति किसी के अंडर में रहना, यानी कि नीचे रहना, आधार से नीचे रहना, उसका अंडर, जैसे सपोज दैट टेबल के नीचे यदि कोई सामान है, जैसे सपोज दैट डॉग है बैठा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, द डॉग इज अंडर नीथ द टेबल, डॉग टेबल के अंदर है या फिर अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है यानी बैठा हुआ है। बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, के परे मतलब किसी का दिमाग से बाहर का चीज, दिस इज बियॉन्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से यह बाहर है, बियॉन्ड मीन्स के परे। इसी तरह से दिस इज बुक इज बियॉन्ड माई माइंड, मीन्स
यह बुक मुझे समझना मेरे दिमाग से ऊपर है, इसलिए बियॉन्ड के अर्थ में किया जाता है। बियॉन्ड मीन्स के परे, मेरे समझ से बाहर। इस तरह से फोर और सिंस, फोर को हम पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में किया जाता है, और सिंस नीचे है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के अर्थ में करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, निश्चित समय, और इसका मतलब अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। जैसे वह 10 साल से काम कर रहा है तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन डूइंग वर्क फॉर 10 ईयर्स, मतलब कब से कर रहा है कोई निश्चित समय नहीं है। और यदि इसमें देखो वह 1990 से काम कर रहा है तो लिख सकते हैं ही हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस 1990 से काम कर रहा है, तो यहाँ टाइम है और ये पता चलता है कि निश्चित समय, इसलिए सिंस लगा। और अनिश्चित समय जिसमें समय का पता नहीं चले, 10 ईयर, 10 दिन, 5 दिन, इस तरह से, तो उसके आगे हम फोर लगाएंगे और निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। इस तरह से हम कभी कभी सिंस मंडे, सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह यूज किया जाता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1990, सिंस मंडे, सिंस मंडे, इस तरह सिंस का उपयोग किया जाता है। अब आगे एक्रोस, एक्रोस मीन्स उस पार होता है, जैसे सड़क के उस पार, जैसे सड़क है और सड़क के उस पार में कोई चीज़ है, तो क्या लिखेंगे, ही वाज एक्रॉस द रोड, वह रोड के उस पार था। इस तरह से एलोंग, एलोंग में साथ साथ, जैसे रोड है और रोड के साथ में ही कोई जा रहा है तो उसके साथ एलोंग बोलते हैं। जैसे वी आर गोइंग, वी आर गोइंग एलोंग द रोड, हम लोग रोड के साथ जा रहे हैं। या फिर सी इज वॉकिंग एलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे टहल रही है। इस तरह से हम लोग कहते हैं सी इज वॉकिंग एलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, यानी रोड के किनारे। या फिर वी आर गोइंग एलोंग द रोड, हम लोग रोड के किनारे जा रहे हैं। इस तरह से एलोंग का अर्थ साथ साथ में, या क्रॉस का रोड के उस पार के अर्थ में, चाहे वो नदी रहे, सड़क रहे, चाहे वो कोई भी चीज़ रहे जिसके पार से बात हो। इस तरह से आगे हम चर्चा करेंगे बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बगल में, जैसे राम इज सीट बिसाइड मी, मेरे बगल में राम बैठा है। और बिसाइड्स मीन्स के अलावे, इंग्लिश में इन एडिशन टू बोलते हैं, के अलावे, उसके अलावे, मतलब ही सिट्स बिसाइड्स राम एंड श्याम, वह
वह राम और श्याम के अलावे बैठा हुआ है, यानी कि राम और श्याम के अलावे वहाँ कोई दूसरा भी है, बिसाइड्स के अलावा। और इसमें क्या बोलता है, बिसाइड मीन्स के बगल में, ही सीट बिसाइड मी, वो मेरे बगल बैठा है। और ये कहता है ही सीट्स बिसाइड्स राम और श्याम, राम और श्याम के अलावा वह भी है। ही सीट्स बिसाइड्स राम और श्याम, इस तरह से लिख सकते हैं, राम सीट्स बिसाइड्स मोहन एंड सोहन, इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह से हम सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन का चर्चा किए, और हमें लगता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर गुड स्टडी चैनल।